मिस वर्ल्ड का खिताब हमेशा हमारे भारतीय लड़कियों ने ज़्यादा जीता है और इसके बाद जो प्राउड फील होता है, सबको प्राउड फील होता है, उसका क्या ही कहना। तो इसी बीच खबर यह है कि मिस वर्ल्ड इस साल जो होगा वो प्रतियोगिता भारत की मेज़बानी में होगा। हालांकि जो अनाउंसमेंट है डेट की वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 27 सालों के बाद भारत को ये मेज़बानी मिली है। और कमाल करने वाली भारत, इससे पहले 1996 में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेज़बानी की थी भारत ने, और कई सारी हसीनाएँ हमारे जो मिस वर्ल्ड बन चुके हैं, कईयों ने फिल्मों में काम किया और कईयों ने फिल्में क्विट कर दी हैं, कुछ और सोशल वर्क कर रही हैं। लेकिन इसी बीच कह सकते हैं कि मिस वर्ल्ड जीतने के बाद जो प्राउड फील करवाया है इन हसीनाओं ने, उनका नाम बताएंगे और कौन कौन है वो भी बताएंगे। इससे पहले आपको जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपकी खास एंकर गार्गी जब भी कुछ खास लेके आए तो आपको तुरंत पता चले। दो 2017 में मानुषी छिल्लर ने ये मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। यो जो मोमेंट होता है, आपको क्या बताएं, बहुत ही प्राउड फील होता है। हालांकि हमारे जानने वाले नहीं होते, पहचानने वाले नहीं होते, हम उन्हें टीवी में देखते हैं, लेकिन जो एक मुस्कुराहट होती है और दिल से जो खुशी आती है वो हर भारतीय को उस समय फील होता है कि हाँ, हमारे देश से एक लड़की मिस वर्ल्ड बनी है। तो 2017 में जब मानुषी बनी थी तो सबको ऐसा ही फील हो रहा था। ये अकेली नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन इन्होंने फिर फिल्मों में कदम रखा, डेब्यू रखा, अक्षय कुमार के साथ डेब्यू किया पृथ्वीराज से, इसके बाद और भी आने वाली फिल्में हैं। उससे पहले 2000 में प्रियंका चोपड़ा बनी, और प्रियंका चोपड़ा तो आज के टाइम पे ग्लोबल स्टार बन चुकी है, सबको पता है, सिटाडेल उनका देखा है, और वो निक जोनस के साथ बहुत सारे सोशल मीडिया पर अपने फोटोज डालती है, अपनी बेटी मालती के साथ फोटोज डालती हैं। उससे पहले बात करें 1999 की, तो युक्ता मुखी ने भी ये ताज पहना था और सबको प्राउड फील करवाया था। हालांकि 2000 में उनकी एक फिल्म आई थी प्यासा, इसके बाद अभी कहाँ है वो, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, इसके बाद कोर्ट वगैरह के चक्कर काट रहे थे और बहुत सारा चीज़ें हो रहा था, इसके बाद वो कहीं गायब हो गए। लेकिन जो एक मोमेंट था 1999 का, उन्होंने वो सबको फील कराया। और इसके बाद अगर बात करें विश्व सुंदरी यानी कि ऐश्वर्या, आप समझ ही गए, 1994 में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, और आज किसी के भी पहचान की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उनकी फिल्मों की अदाकारी को बात कर ले या उनकी खूबसूरती की बात कर ले, और उनकी आँखों से जो उनकी बातें होती हैं वो गज़ब की होती है, सब लोग उनकी ब्यूटी के जो हैं वो दीवाने हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन सारी हसीनाओं ने अपने आप को प्रूफ किया, साथ में पूरे इंडिया को उन्होंने प्राउड फील करवाया। तो इसी बीच अगर ये खबर माने कि मेज़बानी इस बार भारत को दी जा रही है, वो भी 27 सालों के बाद, तो बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बार फिर से प्राउड फील करवाने वाले हैं। इससे पहले बात कर लें हम कि मेज़बानी में क्या कुछ होगा नहीं होगा, वो सारा अब ऑफिशियली जो है डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन 1997 में डायना हेडन ने भी ये ताज जीता था। डायना हेडन ने फिल्मों में काम किया, बिग बॉस में वो नज़र आ चुकी हैं। अगर हम सबसे पहले विश्व सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड की बात करें, तो उनका नाम है रीता फारिया, जो उन्होंने जीता था। इसके बाद कई लोग उनको देखकर, रीता को देखकर इंस्पायर्ड हुए हैं, और इसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे ताज हमारे पास आए हैं। तो इस बार जो मेज़बानी होगी उसमें भी हम कोशिश यही करेंगे सब लोग कि हमारे इंडिया से ही जीते और एक बार फिर से हमें प्राउड फील करवाए। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है, और फिल्मों के इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी चीज़ होती है कि एक नया चेहरा मिलता है उन्हें, नई जो एक टैलेंट उनको ढूंढना पड़ता है वो इसके ज़रिए वो खोज लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, उनको टैलेंट दिखाना पड़ता है, नाचना और गाना और जो भी टैलेंट है उनमें, तो इसी से पिक किया जाता है और आगे उनका फ्यूचर जो है वो भी डिसाइड कर सकते हैं इसी के थ्रू। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप बताइए, और मेज़बानी में और क्या कुछ होगा, क्योंकि ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या कुछ और नया आपको भी पता चल रहा है, या आपको इससे रिलेटेड कुछ और स्टोरीज अगर आपको जाननी है हमसे, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी स्टोरीज के लिए देखते रहिए जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल।